बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। गुलजार किचन एंड रेमडीज में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक और न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही मज़े की बनेगी। गाजर का जरदा जो बनाना बहुत ही आसान है, आप बनाएं, इंशाल्लाह सब बहुत तारीफ़ करेंगे, सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक कप ऑयल, दो कप चीनी, बादाम गार्निश के लिए, छोटी इलायची, आधा चम्मच जर्दा रंग, आधा किलो गाजर कश की हुई, आधा किलो चावल। सबसे पहले हम चावलों को भिगो लेंगे। उसके बाद एक फ्राई पैन में गाजरें डाल के इनका सारा पानी खुशक कर लेंगे। गाजर के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे और गाजर का पानी बिल्कुल खुशक कर लेंगे। ये हमारा गाजर का पानी खुशक हो गया है, आप देख सकते हैं कि ये चिपक रही हैं। अब इस फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब एक देगची में पानी रखेंगे चावलों को बॉयल करने के लिए। पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चावल ऐड कर दें। चावलों को हमें एक कनी तक पकाना है। जब तक चावलों में एक कनी रह जाए तब तक इसको पकाएंगे। ये चावल हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करके चावलों का पानी उतार लेंगे। अब एक देसी में ऑयल डालेंगे और इसे हर जगह फैला लेंगे। और थोड़े से चावलों की तह लगाएंगे। फिर उसके ऊपर गाजर की एक तह लगाएंगे। गाजर डालने के बाद इसके ऊपर चीनी डालेंगे। इसी तरह बाकी सारे चावल और गाजर की तह भी लगा लेंगे। अब जो हमारे पास बाकी ऑयल बच गया था वो चावलों के ऊपर डाल देंगे और जर्दा रंग में एक चम्मच पानी मिलाकर इसको फैला देंगे अच्छी तरह। और लास्ट में छोटी इलायची डालकर ढांप कर चूल्हे के ऊपर रख देंगे। बिल्कुल लो आंच पर दम पर रखेंगे। अब 5 मिनट के बाद खोल कर देखेंगे, इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। ये चीनी ने पानी छोड़ दिया था तो हमें इसका पानी खुश्क करना है। अब इसको दोबारा 2 मिनट के लिए ढांप कर रख देंगे। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार गाजर का जर्दा बनकर तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत मज़े का बनेगा और सब बहुत तारीफ़ करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।